तो बात है कल रात की। विनीत दुबे नाम का व्यक्ति जैसे ही सोने जा रहा था, उसे सपनों में कुछ उसके फैमिली मेंबर्स एंड उसके कुछ एक्स फ्रेंड्स ने सपने में दबोच लिया। उन लोगों ने विनीत को कहा, अबे तू तो नल्ला है, तू तो बेरोजगार है, तू ये नहीं कर पाएगा, तू वो नहीं कर पाएगा, तू ये नहीं कर पाएगा, ना करो ढिमका करो, ये करो वो करो, ये ना। फिर मेरी नींद खुली, फिर मैंने सोचा इन लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से दो, क्या गोनी में पत्थर उठाया, एक एक के घर पे दे मारा। नहीं नहीं मजाक करो, अब आए ना लाइन पे। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया रेडल्स इन हिंदी, कुछ टाइम स्क्रॉल करने के बाद मुझे ये वीडियो दिखी। तो आइए देखते हैं ये वीडियो सॉल्व करके कि हमसे हो पाता है कि नहीं। तो वीडियो में बने रहना, बहुत मजा आने वाला है। देखे सामने पहुंच जाते हैं और एक दूसरे को अंदर जाने के लिए बोलने लगते हैं। टोनी थोड़ा डर जाता है और अपने दोस्तों को बोलता है, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, अंदर जाना सेफ नहीं है। लॉजिकल टोनी को ऐसा क्यों लगा कि अंदर जाना सेफ नहीं है? सोचे सोचे और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ऑलराइट, इसका ये छगन दोस्त बोलता है कि भूतिया घर में जाना सेफ नहीं है, वहां जाएंगे तो मर जाएंगे। ऑफ कोर्स भूतिया घर में कौन जाना है सेफ समझेगा भाई, लेकिन इसमें ये पिक्चर्स देख के बताने की क्यों जाना नहीं सेफ है, ये तो देखते ही पता चल जाएगा। मतलब आप नल्ले ही होंगे जो आप नहीं देख के बता पाओगे। ये चार दोस्त लोग अंदर गए नहीं, और अंदर यहां से जाने के लिए फुटस्टेप दिख रहा है, मतलब पैरों के निशान, मतलब कुछ लोग अंदर गए हैं और कुछ लोग अंदर गए हैं लेकिन बाहर नहीं आ पाए हैं, मतलब समझ रहे हो, उनका मौत निश्चित है। तो इसीलिए लग रहा है इनका ये छगन दोस्त देख के बता लिया होगा कि अंदर मत जाओ, नहीं तो खेल खत्म। भूत बंगले के बाहर के फुटप्रिंट्स को देखो, फुटप्रिंट्स अंदर तो जा रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं, मतलब जो अंदर गया है वो कभी वापस नहीं आया, इसलिए टोनी घबरा रहा था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक लंबू और एक छोटू दो बहुत ही कॉमेडी चोर है। स्लैंकी हमेशा मल्टीपल ऑफ टू में चोरी करता है, जैसे सेकेंड डे, फोर्थ डे, सिक्स्थ डे। और शॉर्टी हमेशा मल्टीपल ऑफ फाइव के डेज में चोरी करता है, जैसे फिफ्थ डे, टेंथ डे और फिफ्टींथ डे। तो सोचिए और मुझे बताइए दोनों मिल के फेब्रुवरी में कितनी चोरियां करेंगे। सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। क्लास वाले सर ने बोला था मैथ के जगह एसपी ले लो, मैथ तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा, लेकिन ये मैथ है कि कभी पीछा ही नहीं छोड़ता। ले रिडल्स में भी आ गया मैथ। क्या सर छूट छूट बोलते हो। ओके, तो इसमें क्या करना है, जो छोटा वाला चोर है वो मल्टीपल ऑफ टू के दिन चोरी करता है, और जो लंबा वाला है वो मल्टीपल ऑफ फाइव के, मतलब कैसे, टू के टू, टू दूनी फोर, टू टी आई फोर आएगा, टू वन जार टू, टू टू जार फोर, टू थ्री जार। छोटा वाला है वो 14 दिन चोरी करेगा और जो लंबा वाला है वो 5 दिन चोरी करेगा। फेब्रुअरी में 28 या 29 डेज होते हैं। अब शांकी चोरी करता है मल्टीपल ऑफ टू में तो डेट्स हो जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10। और शॉर्टी चोरी करता है मल्टीपल ऑफ 5 में, मतलब डेट्स हो जाएंगे 5, 10, 15, 20। मतलब सिर्फ 10 और 20 ही ऐसे दो डेट्स हैं जब दोनों साथ में मिलके चोरी करेंगे। 20 के आगे चोरी क्यों नहीं किया, मतलब 22 भी तो 2 का मल्टीपल है, 24 भी तो है, 26 भी तो है, 28 भी तो है, वो सब नहीं किया क्या यार। खाली फोकस मैंने अपना इतना दिमाग वेस्ट किया। दोनों चोरी करने के लिए एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर का विंडो खुला हुआ था लेकिन स्लैंकी वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था, और शॉर्टी भी अपने हाइट की वजह से वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था। तो क्या आप सोच के बता सकते हैं दोनों वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं? इतना सिंपल तो है, ये लोग को इतना ही सिंपल रिडल्स नहीं आता। अपने उस हाथ से उठा के खिड़की में डाल ले, इतना लंबा हाइट है तेरा तो घुस तो पाएगा नहीं। वो छोटे वाले को हाथ में ले, गोद में उठा, फेंक दे अंदर सीधा, सिंपल। अरे बड़ा सिंपल था। स्लैंकी शॉर्टी को अपने कंधों पे बिठा लेता है, शॉर्टी अंदर घुसता है, चोरी करता है, फिर वापस स्लैंकी के कंधे पे आके बैठ जाता है और दोनों चोरी करके वहां से भाग जाते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक रूम में फंस जाता है। रूम से बाहर निकलने के लिए 5 दरवाजे हैं। पहले डोर के पीछे ज़ॉम्बीज हैं, दूसरे के पीछे मम्मी है, तीसरे के पीछे एक वैम्पायर है, चौथे के पीछे एक वॉल्फ है, और पांचवे डोर के पीछे घोस्ट है। तो लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल? ए में जाएगा तो ज़ॉम्बी उसको खा जाएगा, दूसरे में जा सकता है मम्मी और माँ बेटे का प्यार तो आप लोग जानते ही हो, तो दूसरे में जाएगा तो भी पकड़ा ही जाएगा, और इस सी में क्या है ड्रैकुला है जो भी है वो उसे खा जाएगा, डी में वुल्फ है तो वो भी उसे कच्चा छोड़ेगा। रही बात भूत की, तो भूत
हनुमान चालीसा बोल के वो जा सकता है, तो मैं अगर मैं होता तो ऑप्शन ई में जाता, जय हनुमान ज्ञान गुसागर जय कपिस्त्रिन लोको जागर रामदूत अलबिंदा मान जिन पुत्र मान जिन रामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी बोल के जान दर बैठे तेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा कोई। सुपरमैन बैटमैन और स्पाइडरमैन का बाप मालूम कौन है? हनुमान। खलबली ही खलबली देखो है हो चली धरती सागर तारे राज मेरा ही प्यारे आसमां को छू कर देखा तारों की कर सवारी चांद पर भी नाचे हम की तुम्हारों से। मुझे तो लगता है लास्ट दो मेहूर के लिए सबसे सेफ रहेगा क्योंकि गोस्ट जनरली लोगों को डराते हैं लेकिन उन्हें मारते नहीं है। आपको क्या लगता है लॉजिकल आर्मी? चलिए अगली पहली देखते हैं। बेन को किसी ने किडनैप कर लिया है और एक बहुत बड़े स्काईस्क्रैपर पे टॉप फ्लोर पे बंद कर दिया है। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। उसे सामने तीन जार्स दिखते हैं जो मैजिकल वाटर के हैं। तीनों में कोई ना कोई पावर है लेकिन सिर्फ 30 मिनट्स के लिए। अगर उसने पहले जार का पानी पिया तो वो बहुत पावरफुल हो जाएगा। अगर उसने दूसरे जार का पानी पिया तो वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। और अगर उसने तीसरे जार का पानी पिया तो वो वैम्पायर बन जाएगा। लेकिन ये सब सिर्फ 30 मिनट्स के लिए। तो सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए उसे कौन से जार से पानी पीना चाहिए। सोचिए सोचिए। ओके, वो अगर हरा पानी पी लिया तो वो ताकतवर बन जाएगा, वो दरवाजा तोड़ के भी जा सकता है, ठीक है। और अगर वो ज़ॉम्बी बन गया तो मुश्किल ये वो कुछ कर पाएगा करके पकड़ा जाएगा। और रही बात बैट की, अगर चमगादड़ बन गया तो वो खिड़की से जा सकता है लेकिन वैम्पायर है तो धूप से तो बेचारा पकड़ा जाएगा। तो मुझे क्या लग रहा है ये बच्चे को क्या करना चाहिए, बच्चे को थोड़ा सा कॉम्प्लेन पी के सो जाना चाहिए और रात को उठना चाहिए और ये जो पिंक वाला पानी है बोले तो ड्रैकुला का वो पी के एक वैम्पायर बन के उड़ जाना चाहिए। मेरे बाहर देखिए अभी सूरज निकला हुआ है, अगर वो वैम्पायर बन गया तो वो जल जाएगा। तो बेन रात होने का इंतजार करता है और फिर तीसरे जार का पानी पीता है तो वो वैम्पायर बन जाता है, फिर वो बैट बनता है और वहां से उड़ के भाग जाता है। था ना ये इंटरेस्टिंग? इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। रिया एक एडवेंचर ट्रिप के लिए जंगल में जाती है जहाँ वो एक केव में फंस जाती है। अब मैं बाहर कैसे आऊंगी? वो गोस केव में बॉम्ब रख देता है जो 5 मिनट में फटने वाला है। अब रिया कैसे बाहर आएगी? रिया को सामने एक बड़ा सा दरवाजा दिखता है लेकिन दरवाजे को ओपन करने के लिए कोड लगेगा। लॉजिकल आर्मी पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए दरवाजे को ओपन करने का कोड क्या होगा। मैं मैथ में उतना अच्छा नहीं हूँ जितना कि मेरे फ्रेंड्स लोग समझते थे, लेकिन फिर भी चलो एक बार ट्राई करते हैं। 5 1 5 1 = 5 1 5 2 = 6 5 2 6 5 5 10 3 6 इसका कोड बताना। ओके ठीक है, चलो हम बेसिक से, ये शायद क्वेश्चन हम लोग को 10th में अरिथमेटिक समथिंग कुछ था अलजेब्रा में तो उसमें था, तो चलो थोड़ा सा बुद्धि लगाते हैं इसमें। देखिए अगर लास्ट के हम 2 डिजिट को प्लस करें फिर फर्स्ट डिजिट से माइनस करें तो 5 आएगा। पहले वाले में देखते 5 + 1 = 6 5 2 = 10 5 6 = 7 होगा नीचे सेकंड वाले का -1 = 6 5 3 = 7 5 3 = 8 8 - 2 = 6 5 5 = 10 10 - 3 = 7 ऐसे ही अगर लास्ट वालों का करेंगे तो 5 + 9 = 14 होता है और 14 - 5 = 9 होता है, तो इसका पासवर्ड हो सकता है 9 5 6 6 7 9। स्टार्ट करो। ध्यान से देखिए कोड है 3rd digit + 2nd digit - 1st digit। जैसे पहले इक्वेशन में 1 - 1 हो जाएगा 0 और उसमें 5 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 5। वैसे ही दूसरी इक्वेशन में 2 - 1 हो जाएगा 1 दूसरा सेटिंग लगा रहा है मैंने, 5 करेंगे तो हो जाएगा 6। वैसे कोई बात नहीं, फाइनल इक्वेशन में 9 - 5 हो जाएगा 4 और उसमें 5 ऐड करेंगे तो वो वापस हो जाएगा 9। तो कोड है 9। रिया 9 प्रेस करती है तो डोर ओपन हो जाता है। आई एम सो स्मार्ट ब्रो। रिया आगे बढ़ती है तो उसे 3 दरवाजे और दिखते हैं। पहले दरवाजे के पीछे जंगली वोल्फ है, दूसरे दरवाजे के पीछे एसिड रेन है, अगर रिया उसमें गई तो वो जल जाएगी, और तीसरे दरवाजे के पीछे जहरीले कांटे हैं। तो सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए रिया कौन सा दरवाजा चुन सकती है। वुल्फ में जाएगी तो वुल्फ तो उसे छोड़ेगा नहीं, एसी ट्रेन में जाएगी तो भी बचना मुश्किल है। वो हो सकता है ये जो तार लगे हैं उससे जा सकती है क्योंकि थोड़ा सा नीचे अगर थोड़ा कट पीट के जा सकती है, क्योंकि अगर ये बाकी ये दो रेस्ट ऑफ ऑप्शंस में गई तो फिर बचना तो ना कि मुश्किल है। तो
आई गो विथ तीन वाला तारों के नीचे से। रिया पहले डोर से वापस बाहर जाती है और जो गोगन ने बॉम्ब रखा था उसे लेके वापस आती है और उसे फर्स्ट डोर के अंदर फेंक देती है और डोर बंद कर देती है। बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वुल्फ मर जाता है और फिर रिया फर्स्ट डोर चला गया। मुझे लगा वो तो गया, रात गई बात गई, रिया कहां से आ गई बम लेके। ठीक है, वैसे बम ले जाके तो फिर तारों में भी डाल सकती थी, ब्लास्ट होके फट जाता, उधर से भी निकल जाती। रिया अनपढ़ यार। एक आदमी दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचता है। मेरा बैग चोरी हो गया, मेरा बैग चोरी हो गया। क्या हुई? उसमें लाखों रुपए थे, तुरंत चोर को पकड़िए। तो पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो बताता है, मैं रास्ते से जा रहा था तभी एक लड़का आया पीछे से भागते हुए, उसने ग्लव्स पहने हुए थे और फेस पे मास्क लगाया हुआ था, उसने मेरा बैग छीना और भाग गया, मैं उसे देख नहीं पाया। तो तुम्हारे चेहरे पे ये मार्क्स कैसे हैं? क्या हुई? मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने मुझे मारा, उसने गोल्ड रिंग पहनी हुई थी, उस रिंग से मुझे निशान आ गए। पुलिस तुरंत समझ जाती है वो झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आर्मी पुलिस को ये कैसे समझ जाता है, क्या आप सोच के बता सकते हैं? जी के चैनल पे तो आज जैसा कि आप देख सकते हैं, यह मूंछ वाला आदमी जैसे बताया कि उसने मास्क और ग्लव्स पहना था, तो अंगूठी उसकी पप्पा छोड़ के गए थे कि उसकी मम्मी छोड़ के गई थी? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. I need new friends, but it's not the... तो ऐसे ही खतरनाक प्रैंकों से बचिए और अपना दिमाग यूज कीजिए। मुझे तो यही लगता है क्योंकि उसने मास्क पहना था और ग्लव्स पहने थे, तो अंगूठी कहाँ से आ गए ब्रो? हाथ में ग्लव्स पहना हुआ था तो उसे कैसे पता कि हाथ में गोल्ड रिंग थी? वही पुलिस समझ जाती है। जिसको ध्यान से देखिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए किसकी माँ सौतेली है। अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताए। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस कैसा आपको ये लगा ये रिडल्स? है तो बहुत ज्यादा फनी। तो आपको एक काम करना है कि इसका ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो जाके वो देख सकते हो, बल्कि और अच्छे से देख सकते हो मैंने, क्योंकि इसमें एडिट करते वक्त बहुत सारे कट्स लगाए, तो हो सकता है आपको अच्छे से ना समझाओ, तो इसका ओरिजिनल वीडियो आप जाके देख सकते हो। ऐसे ही हमें प्यार दिखाते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। तो इसी बात पे अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस आपको ऐसे और फनी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा आणी बाय बाय।